एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम स्पर्श पाठ पुस्तक के पद खंड से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मनुष्यता पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनका एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 में झांसी के करीब चीर गांव में हुआ था। अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में ये विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। उसके बाद गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया रामशरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो ये तो थे हमारे जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनका एक छोटा सा परिचय। अब हम चलिए हमारा जो पाठ है जिसका शीर्षक है मनुष्यता, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारे कवि हैं वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। जो गुप्त जी हैं वो कहते हैं कि जो हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि हमें मरना तो है ही एक दिन, यानी कि सभी जानते हैं कि शरीर जो है वो नश्वर है और उसे मरना ही है, तो इसीलिए मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर मरना ही है तो ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे मृत्यु के बाद लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे कर्मों की सराहना करें। तो वही बात इन पंक्तियों में जो हमारे कवि उन्होंने कहने की कोशिश की है। उसके बाद आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार है, हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यहाँ जो इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि जो मृत्यु है वो सुमृत्यु तभी होती है जबकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे कर्मों की सराहना करें, लोग हमें याद करके कहीं ना कहीं दुखी हों कि इतना अच्छा व्यक्ति चला गया। तो अगर ऐसी मृत्यु यानी कि ऐसी सुमृत्यु अगर हमें नहीं मिलती है तो फिर हमारा जीना और मरना दोनों ही, यानी कि हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही निरर्थक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, कहते हैं कि वही व्यक्ति जो मरता नहीं है यानी कि वो मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है, जो कि पूरी जिंदगी जिसने पूरे जीवन अपना दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, सिर्फ वो अपने आप के लिए नहीं जिया बल्कि अन्य मनुष्यों के लिए भी उसने अपने जो अपना पूरा जीवन है वो समर्पित कर दिया, वही व्यक्ति है जो मरने के बाद भी मरता नहीं है। उसके बाद की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि वैसे लोग जो सिर्फ अपने आप के लिए ही जीते हैं और अपने ही पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो तो एक पशु प्रवृत्ति हुई है, क्योंकि एक पशु ही हैं जो सिर्फ अपने आप के लिए जीते हैं। और उसके बाद की पंक्तियों में जो कवि वो कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य वही है जो कि दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन दूसरे लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हो और दूसरे के लिए ही जो मौत है या जो मृत्यु है उसका वरण करे, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी दूसरे पर दूसरे जीवों के लिए निछावर कर दे, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य है और उसी ने अपनी जो जिंदगी है उसने सही मायने में जी है। उसके बाद इसके जो कुछ विशेष तत्व हैं वो हम देख लेते हैं कि इन पंक्तियों द्वारा कवि ने जीवन जीने का सही तरीका बताया है जो उन्हें पशुओं से भिन्न करता है। सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर चले आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कहते हैं कि वैसे ही उदार व्यक्ति जो हमेशा अपना जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की खातिर जीते हैं, दूसरों के लिए जिनका जीवन समर्पित रहता है, ऐसे लोगों की उदारता की सराहना सभी लोग करते हैं। कहते हैं कि जो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी कि ऐसे उदार व्यक्ति जो पुरुष हैं या जो व्यक्ति हैं उनकी गाथा का बखान जो वो किताबें भी करती हैं। और जो धरती है ये यहाँ है कि अब देख सकते हैं कि उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कहते हैं कि और जो धरती यानी कि जो
जो पृथ्वी है, जो जमीन है हमारा, वैसे ही व्यक्ति, वैसे उदार व्यक्ति वाले, उदार हृदय वाले जो व्यक्ति है उन्हीं के लिए के प्रति कृतार्थ भाव भी उसमें रहता है। उसके बाद आगे की जो पंक्ति हम कुछ इस प्रकार है कि उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। कहते हैं कि ऐसे ही उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है वो हमेशा चारों तरफ, कह सकते हैं जो कोयल की कूक होती है उसकी तरफ, सबके तरफ अपना जो ध्यान खींचती है, उसी तरह से ऐसे ही उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है वो पूरे संसार में एक तरह से बोल सकते हैं कि कूजती रहती है, गूंजती रहती है, और उसी वैसे ही उदार व्यक्ति की पूरी सृष्टि जो है पूजा करती है। उसके बाद आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि जो पूरे विश्व में को अपना माने, यानी कि अपनी पूरी आत्मीयता के साथ उसे कह सकते हैं कि ग्रहण करे, पूरे विश्व को वो अपना, पूरे परिवार को एक अखंड, जो पूरा विश्व उसे एक अखंड परिवार के रूप में, खुद के परिवार के रूप में जो माने, वही मनुष्य सही मायने में मनुष्य है जो कि भाई दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे के प्रति अपना जीवन समर्पित करे, दूसरे के लिए वो जिए और दूसरे के लिए ही मरे। इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो यही कहते हैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि उदार व्यक्ति सभी की प्रशंसा का पात्र होता है और कीर्ति कूजती और समस्त सृष्टि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगले स्लाइड में कुछ और जो कविता के कुछ और पंक्तियां हैं वो हम देखते हैं। की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि क्षुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि क्षुधार्थ यानी कि जो काफी दिनों से भूखे थे, आपने, आप सभी ने शायद रंती देव की कहानी सुनी भी होगी कि किस प्रकार से करीब 48 दिनों तक भूखे रहने वाले रंती देव के हाथ में जब जो भोजन का थाल आया, वो जैसे ही भोजन करने वाला थे उसी वक्त एक याचक जब उनके पास आ जाता है तो बिना अपने भूख की चिंता किए हुए वो जो जो भोजन का थाल है वो उस याचक को वो दे देते हैं। उसके बाद तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, ठीक उसी प्रकार से ऋषि दधीची ने जो दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे की सहायता हेतु जो अपना शरीर है वो उन्होंने एक तरह से त्याग दिया ताकि उसकी जो अस्थियां हैं वो जो देवराज इंद्र है उसका इस्तेमाल वो अपने वज्र बनाने के लिए कर सके, जिससे कि जो राक्षस था उसका संहार किया जा सके। तो किस प्रकार से जो रंती देव है और दधीची ने, उन्होंने दूसरे की सहायता करने के लिए अपना जो बोल सकते हैं कि अपना अमूल्य चीज उनके पास जो थी उस वक्त वो उन्होंने जो दान कर दिया, यही बातें इन पंक्तियों में जो हमारे जो कवि उन्होंने लिखा है। उसके बाद लिखा है उशिनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उसके बाद उशिनर यानी कि जो राजा शिवी है जो कि उशिनर प्रदेश के राजा थे, और उन्होंने किस प्रकार से एक बाज से रक्षा करने के लिए, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने कबूतर का जो वजन है उसके बराबर अपने शरीर का मांस जो है वो दान में दे दिया, ताकि, और जब वो कम पड़ा तो वो उन्होंने पूरा शरीर अपने जो बाज है उसके सामने समर्पित कर दिया कि वो जितना चाहे उनके शरीर का मांस खा सकता है, लेकिन वो जो कबूतर है वो उसकी रक्षा करे, उसका जो जो प्राण है वो दान में दे दे उन्हें। तो यानी कि अपने जो शरणागत है उसकी रक्षा के लिए किस प्रकार से उन्होंने स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया बाज के सामने, इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं उन्होंने वही बात लिखी है। उसके बाद जैसा कि वीर कर्ण जो कि महाभारत का एक वीर योद्धा है सभी जानते हैं, और इस बात को सभी को जानते हैं कि किस प्रकार से जो कर्ण है उसके शरीर पर जन्मजात ही कवच और कुंडल थे जो कि एक चमड़े की तरह उसके लिए काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी जब ये जानते हुए भी कि वीर कर्ण ने अपना जो शरीर है का जो कवच कुंडल है वो उन्होंने इंद्र को दान में दे दिया कि ये इंद्र ही है जो कि एक छल कर रहे हैं उनके साथ और एक एक कह सकते हैं कि एक ऋषि का रूप धारण करके आ रहे हैं, और ये बात उन्हें कर्ण को पता भी थी, फिर भी उसने अपने शरीर का जो चमड़ा है वो नोच कर एक तरह से कह सकते हैं जो कवच कुंडल है उन्होंने दे दिया था इंद्र को। यही बातें एक तरह से जो कवि है उन्होंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद कहते हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि ये शरीर जो है वो तो हमेशा रहने वाला है नहीं,
और तो फिर उसकी मृत्यु के लिए जो जो जीव है वो क्यों डरता है कि ये शरीर खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो कहते हैं कि वही सही मायने में मनुष्य है जो दूसरे के लिए मरता है, जो दूसरे के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। तो इसके जो विशेष तथ्य है वो देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने उन महान लोगों की महानता का बखान किया है जिन्होंने दूसरे के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, और इसमें जो भाषा है वो काफी सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे की जो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों से सहानुभूति रखता है, मनुष्य जाति से सहानुभूति रखता है, सही मायने में वही पूजनीय है, उसी की पूजा होती है। और यही सही मायने में जो दूसरों से सहानुभूति रखना है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पूजा है। और कहते हैं कि जो धरती भी है ऐसे लोगों के ही वशीभूत रहती है, उसी के उन्हीं लोगों के जो दूसरे के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं, दूसरे से सहानुभूति रखते हैं, धरती भी उन्हीं लोगों के वश में रहती है। उसके बाद आगे की पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कहते हैं कि किस प्रकार से जो बुद्ध के दया प्रवाह में जो परंपरावाद था, जो जो पुरानी जो परंपराएं थी उसके प्रति जो लोगों में एक एक कह सकते हैं कि जब उन परंपराओं को एक ढकोसले का रूप ढकोसले का नाम देने की कोशिश जब बुद्ध ने की तो बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन जैसे ही उनके उनकी दया भावना लोगों के प्रति जो उनकी सहानुभूति थी जो परोपकार की भावना थी उसके सामने पूरा जो परंपरावादी जो लोग थे उन और जो उनका विरोध कर रहे थे वो उनके उस पूरा संसार उनके उस दया प्रवाह में बह गया, यानी कि उनका जो दया की भावना थी उस प्रवाह में पूरा संसार बह गया। उसके बाद उनके आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि सही मायने में वही उदार है जो परोपकार यानी दूसरों के लिए उपकार करे, क्योंकि जिस प्रकार से जो जो भगवान बुद्ध हैं किस प्रकार से उनके सामने जो रूढ़िवादी विचार के लोग थे जो परंपरावादी थे वो पूरी जो लोगों की एक भीड़ है वो उनके सामने झुक गई थी, तो इसीलिए जो कवि है वो कहते हैं कि इसीलिए सही मायने में वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार जो दूसरों के लिए के ऊपर उपकार करता है, और इसलिए वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए ही मरता है, यानी कि दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। इसके बाद इसकी जो विशेष तथ्य है इसके कुछ इस प्रकार है कि दूसरों को परोपकार करने वाले लोग ही उदार है, घमंड में चूर व्यक्ति को चेतावनी दिया गया है। तो चलिए फिर आगे की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाना आपको करो न गर्व चित्त में। जो कवि है वो कहते हैं कि कभी भी हमें एक तुच्छ धन के जो धन की जो अगर हमारे पास धन है तो सिर्फ ऐसी छोटी सी चीज के लिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और इस बात का कि हम केवल आप ही सनात हो इस बात का के लिए भी अपने मन में कभी भी जो गर्व है यानी घमंड है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगे जो कवि है वो कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कहते हैं कि इस पूरे विश्व में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी कि जो तीनों लोगों को जो स्वामी है वो सभी के साथ है, यानी कि जो ईश्वर है वो सभी के साथ है, और सभी के साथ होने के कारण यहाँ पूरे विश्व में कोई भी अनाथ नहीं है। लेकिन तो फिर इस बात का केवल आप ही सनाथ हो और आप ही के पास धन है इस बात का घमंड जो है वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, और साथ ही साथ जो त्रिलोकनाथ है जो तीनों लोगों के स्वामी उनका विशाल हाथ सभी लोगों पर एक समान है, यानी कि वो बहुत दयालु है और सभी लोगों पर अपने जो अपनी सभी लोगों की रक्षा या मदद करने के लिए जो उनके हाथ है वो इतने विशाल है कि वो सभी लोगों को एक साथ जो भी मदद होती है या फिर उनकी रक्षा करने के लिए जो भी चीजें जरूरत होती है वो सभी के साथ एक साथ वो करते हैं। तो इसीलिए सिर्फ अपने आप को सनाथ मानकर या अपने अपनी तुच्छ जो छोटी सी एक धन होता है आपके पास उस चीज को लेकर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है जो अधीर बना रहता है हमेशा किसी चीज को करने में अधीरता दिखाता है वैसे व्यक्ति से बड़ा भाग्यहीन शायद ही कोई है।
तो उसके बाद आगे जो कवि है वो कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि वही व्यक्ति सही माने मनुष्य है जो कि दूसरे मनुष्य के लिए मरता और जीता है। फिर आगे की में जो विशेष तथ्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि इन पंक्तियों में लेखक ने अभिमान को मनुष्य के विनाश का कारण बताया है। उसके बाद आगे की जो पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कहते हैं कि जो आकाश में है जो बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि वो वहां से खड़े खड़े ही अपनी जो भुजाएं हैं उन्हें बढ़ा बढ़ा कर सभी लोगों की सहायता करने के लिए, सभी लोगों को समान रूप से एक समान स्थिति में लाने के लिए हमेशा वो अपने जो उनके हाथ है वो बढ़ाकर सभी की मदद कर रहे हैं। तो फिर आगे कवि कहते हैं कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। कहते हैं कि सभी मनुष्य एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने जो कर्म है उनको करो और एक साथ आगे बढ़ो। उसके बाद कहते हैं कि अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कहते हैं कि इस प्रकार से एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे को उठाते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो और कलंकहीन होके या कि जो कलंक रहित जो बोलते हैं उसे होकर वो जो भी स्वर्ग लोक है या फिर जो भी देवता है उनके यहाँ अंक का मतलब गोद होता है, यानी कि अमर्त्य अंक में, यानी कि ऐसा गोद जो कि मरने वाला नहीं है, यानी कि जो यहाँ देवताओं की गोद भी कह सकते हैं या फिर स्वर्ग लोग की बात भी हम यहाँ कह सकते हैं कि इस तरह से सब लोगों को उठाते हुए सब लोगों की सहायता करते हुए एक साथ आगे बढ़ो और कलंक रहित होकर सभी उस अमर्त्य अंक में बैठो। यही बातें यहाँ पे कभी कहते हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहने के लिए एक जो प्रेरणा है वो देने का काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि इस प्रकार से मत रहो कि एक का काम एक दूसरे से न चल सके, यानी कि हम इस प्रकार से अपना जीवन जियो कि एक व्यक्ति जो है तो वो दूसरे की भी सहायता करे, यानी कि एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना सहानुभूति की भावना रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। इस क्योंकि सही मायने में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो यहाँ पर ये जो कवि है वही बातें यहाँ पे जो कहते हैं कि जो व्यक्ति है जो परोपकारी व्यक्ति है उसी के बारे में यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जो हर तरह से वो आगे बढ़ता है और उसकी राह में किसी भी तरह की कोई बाधाएं नहीं आती हैं अगर वो सभी को साथ में लेकर चले तो। तो चलिए फिर अगला जो पंक्तियां हैं इस कविता की अगली जो कुछ पंक्तियां वो हम पढ़ते हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंतु अंतराक्य में प्रमाण भूत वेद है। आगे की जो पंक्तियां हैं उसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य मात्र को अपना हर एक मनुष्य को अपना भाई मानना चाहिए यही सबसे बड़ी सुबुद्धि होती है, यानी कि सबसे बड़ी हमारी सद्बुद्धि हमारी जो बुद्धि होती है जो विवेक होता है वही सही मायने में होता है, जबकि हम जो पूरे विश्व को हम अपना भाई माने हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना भाई माने तभी यही सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी बुद्धि यही है, हमारी बुद्धिमत्ता यही होती है। उसके बाद की पंक्ति है कि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। कहते हैं कि इसीलिए क्योंकि परम पिता की जो हम संतानें हैं वो सभी को उन्होंने समान रूप से बनाया है, एक समान रूप से बनाया, यानी कि हम सभी एक तरह में हैं कि हमारे जो पिता परमेश्वर हैं वो एक हैं इसलिए हम सभी एक समान हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं हो सब, लेकिन साथ ही साथ जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारे जो बाहरी जो भेद हैं बस वही हैं, यानी कि हमारे कर्म ही एक दूसरे से हमें जो बाहरी जो रूप है उसमें एक दूसरे से भिन्नता प्रदान करते हैं, नहीं तो जो परम पिता परमेश्वर उन्होंने सभी को एक जैसा ही बनाया, एक समान ही सारी जो शक्तियां हैं एक समान ही सबको बनाया है, यही बातें कवि कहना चाहते हैं। उस वक्त कहते हैं कि परंतु अंतराक्य में प्रमाण भूत वेद है। इन पंक्ति में जो कवि कहते हैं कि हमारा जो शुभ कार्य है उसे हमारा जो जो
जो अंतर अंतरात्मा है, यानी कि जो हम भीतर रूप से जो कह सकते हैं कि जो हमारी अंतरात्मा है वो एक समान ही बनी होती है, लेकिन हमारे जो बाहर जो कर्म होते हैं वो सिर्फ हमारे बाहरी रूप से हमें एक कह सकते हैं कि भिन्नता देते हैं, लेकिन अंतर मन से हम सभी एक साथ हैं और एक तरह के ही हैं। ये बात ये प्रमाणित भी होती है और ये बात हमारे वेद भी कहते हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं। उस बात कहते हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे हरे, कहते हैं कि इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है कि एक भाई दूसरे भाई की का जो कष्ट है उसका हरण ही ना करे, तो ऐसा ये तो सबसे बड़ा अनर्थ है। तो कहते हैं आगे जो कवि वो कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आगे के जो यानी कि आगे की पंक्ति में भी कवि ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए जीता और मरता है। उसके बाद इसके जो विशेष तत्व है कि मानवता के महत्व को इसमें समझाया गया है। फिर चलिए आगे की जो पंक्ति है वो हम पढ़ते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कहते हैं कि आगे की पंक्तियां हैं उसमें जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो जो मार्ग है जो जो कठिनाई से भरा जो भी हमारा मार्ग है उसकी सभी बाधाओं को पार करते हुए चलना चाहिए, और साथ मिलकर हम अगर ये करेंगे तो हमारी राह में जितने भी विपत्ति विघ्न बाधाएं जो आती हैं उन सभी को हम ढकेलते हुए उन सभी को दूर करते हुए बहुत खुशी खुशी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद और इस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी है कि हमें अपने सभी को साथ में लेकर अपने जो जिंदगी की जो भी कठिनाइयां उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं कि घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, कहते हैं कि हमारा जो आपसी हेल मेल है एक दूसरे के साथ जो भाईचारा है वो कभी घटे नहीं और हाँ लेकिन जो हमारे बीच की भिन्नता है वो भी कभी जो वो बढ़ती नहीं जाए, यानी कि हमारे बीच में जो मतभेद है वो कभी नहीं बढ़ना चाहिए जी, यानी कि जितना भी हमारे बीच का जो मतभेद है उसे खत्म करना चाहिए और हेल मिल से यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कहते हैं कि बिना किसी तर्क के एक पंथ के यानी कि एक रास्ते के लिए सभी लोग सतर्क हों और सभी लोग उसी रास्ते को अपना माने, यही जो कवि है वो कहते हैं कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, कहते हैं कि यही सही मायने में समर्थ भाव है कि हम खुद तो हम सभी लोगों को तारते हुए यानी कि जब मान लो कि हम अगर हम नौका पे बैठे हैं तो सभी लोगों को अपने साथ लेते हुए चले, यानी कि सभी की जो नैया है वो पार करते हुए फिर हम आगे बढ़े। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तभी हो सकता है कि जो सही मायने मनुष्य है वो वही व्यक्ति है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में लेखक ने जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ने की को प्रेरित किया है और इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए ये तो हुई जो हमारी कविता है वो हुई, और इसके बारे बाद जो कुछ जो इसमें जो पात्र है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो है रंती देव का और इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो राजा रंती देव सकृति नामक राजा के पुत्र थे। दानवीर रंतिदेव पूरे 48 दिनों तक भूखे प्यासे रहे, फिर भी यह जानते हुए भी कि अब 48 दिनों के बाद ही उन्हें भोजन मिलेगा उन्होंने अपना खाना याचक को दे दिया। उसके बाद उशीनर जो पूर्ववंशी नरेश शिबी उशीनर देश के राजा थे, कबूतर को अपना आहार बनाने के लिए बाज से उसका शिकार करने के लिए जब बाज ने उसका पीछा किया तो कबूतर तेजी से उड़ता हुआ राजा शिबी के चरणों में जा पड़ा। उसकी रक्षा हेतु उन्होंने कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर से मांस काटकर बाज को दे दिया। उसके बाद महर्षि दधीची देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान कर दिया जिसे कि जो देवराज इंद्र है उनका जो जो उनका कह सकते हैं जो हथियार है जो अस्त्र है वो बना, जिसे वज्र भी कहते हैं हम लोग, तो वो बनाने के लिए जो अस्थियों की जरूरत थी उसके लिए उन्होंने जो महर्षि दधीची है उन्होंने अपने अस्थियों का दान कर दिया था। फिर आगे जो कर्ण है जिन्हें हम दानवीर कर्ण के रूप में भी जानते हैं, तो कर्ण को महाभारत का महानायक माना जाता है। कवच और कुंडल उसके शरीर पे होते हुए कोई उसे हरा नहीं सकता था और ये उसके शरीर पे जन्मजात था। फिर भी इंद्र द्वारा कवच और कुंडल मांगे जाने पर कर्ण मना नहीं करता है और हर्ष पूर्वक अपना कवच कुंडल अपने शरीर से अलग कर उन्हें दान कर देता है। तो चलिए फिर ये तो हुए जो प्रमुख पात्र थे हमारी कविता में उनके बारे में कुछ हम लोगों ने जाना,
और अब आगे का जो स्लाइड है उसमें कुछ हम प्रश्न उत्तर करेंगे। आगे जो पहला प्रश्न है वो यह है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो जो कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मृत्यु के बाद भी लोग आपको आपके कर्मों को याद करें, जिसका पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो, तो ऐसी जो मृत्यु होती है वो सुमृत्यु होती है। फिर उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, तो उदार व्यक्ति वह है जो अपना पूरा जीवन औरों के लिए समर्पित कर देता है, जो पूरे विश्व की को अपने अपनेपन की रोशनी से भर दे, वही व्यक्ति उदार है। फिर आगे की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि जो आगे का प्रश्न है वो यह है कि कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो कवि ने इन उदाहरणों द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें इस शरीर की चिंता छोड़कर हमेशा निडर बनकर दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो एक दिन साथ छोड़ ही देती है। उसके बाद आगे की जो का जो प्रश्न वो कुछ इस प्रकार से है कि कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जाना आपको करो न गर्व चित्त में। फिर अगला जो प्रश्न है वो यह है कि मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई समझने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान है। वैसा जीवन व्यर्थ है जिसमें एक भाई दूसरे भाई के कष्टों का निवारण न कर सके, तो ऐसी जिंदगी किस काम की। फिर आगे का जो प्रश्न वो यह है कि कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। तो क्योंकि तभी हम अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर पाएंगे और इस प्रकार हम अपने साथ दूसरों की भी नया पार लगाने में समर्थ हो पाएंगे। तो ये तो कुछ प्रश्न हुए, अब आगे की स्लाइड में कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न वो यह है कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को अपना जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अगर हम केवल खुद के बारे में विचार कर केवल खुद के लिए जीते हैं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमारा जीवन और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद रखें। फिर आठवें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है परोपकार, यानी कि मनुष्य को अपने जीवन अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए, तभी हमारा जीवन और मृत्यु दोनों सार्थक है। उदारता, मनुष्य को उदार होना बहुत जरूरी, यानी कि पूरे विश्व को जो अपना समझे वही सच्चा मनुष्य है। निर्भयता, मनुष्य को निर्भय बनना चाहिए, यानी कि मृत्यु का भय न कर अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले कर्म करने चाहिए। फिर है सहानुभूति, प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे से सहानुभूति होनी चाहिए। उसके बाद मदांध, यानी कि घमंड में चूर और धैर्यहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनश्वर है, यानी कि हर चीज का एक न एक दिन विनाश होना है। इसलिए किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, साथ ही अधीरता भी विनाश का कारण है, इसलिए हमेशा धैर्यवान बने। भाईचारा, प्रत्येक व्यक्ति अपना हमारा भाई है, ऐसा ही व्यवहार हमें सभी के साथ करना चाहिए। और उसके बाद जो अंतिम है वो यह है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये तो कुछ प्रश्नोत्तर थे जो मैंने इसे जो तैयार किए थे इस कविता से संबंधित। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये आज का पाठ पसंद आएगा, आज का वीडियो पसंद आएगा, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ धन्यवाद।